Greetings to all my dear viewers, welcome back. It's me अक्सा और आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे सजेस्ट किया है. और वो क्या है? वो ये है कि हम अपने बच्चों को कैसे उनकी तरबियत करें कि वो अच्छा बिहेव करें. ओके कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा बिहेव कर सकें. हाउ टू एजुकेट चिल्ड्रन दैट दे बिहेव गुड. कि हम ऐसे बच्चों को कैसे एजुकेट करें अपने बच्चों को कि वो अच्छे से बिहेव कर सकें. बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है आजकल का ये, और इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है. वो क्या कहते हैं ना, मसले तब तक हल नहीं होते जब तक कि उनके बारे में बात ना की जाए. और हमारा मेन मसला ही ये है कि हम मसलों के बारे में बात करना ही नहीं चाहते. तो प्रॉब्लम्स तब तक फेस करना तो दूर की बात है, तब तक हल ही नहीं होती जब तक हम उसके बारे में बात नहीं करते. तो ये एक बहुत ही जो है ना अलमिया कह लें कि बच्चों के बारे में या उनके बिहेवियर के बारे में बहुत कम पेरेंट्स सोचते हैं. ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में यही होता है कि बस बच्चे हैं तो पेरेंट्स, वालिद साहब ने जो है वो ड्यूटी पे जाना है, मदर ने जो है वो सुबह का नाश्ता बना के देना है बच्चों को, और उसके बाद उनको स्कूल के हवाले कर देना है. और फिर जब वो आएंगे स्कूल से देन वो ट्यूशन चले जाते हैं, थोड़ा सा टाइम उनके पास होता है. तो बजाय इसके कि पेरेंट्स जो हैं वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, मदर जो है वो सेलफोन पे बिज़ी होती हैं और फादर जो हैं वो अपनी गॉसिप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी होते हैं. बहुत कम ऐसा होता होगा कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, उनको जो है वो सही और गलत में जो है वो फ़र्क बताते होंगे. बहुत कम ऐसा होता होगा. और यही मेन रीज़न है, यही मेन अलमिया है कि आप लोगों के बच्चे जो हैं वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते. ना उनको पता चलता है कि क्या सही है, ना उनको पता चलता है क्या गलत है, ना उनको कहीं से प्रॉपर गाइडेंस मिल पाती है, या फिर वो स्कूल में जाते हैं या उनका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल बन जाता है जो कि वैसे ही उनकी अच्छा नहीं है. फ्रेंड सर्कल ही अच्छा नहीं है, जिसमें भी वो उठते बैठते हैं उनके फ्रेंड्स अच्छे नहीं बनते. खुदा न खास्ता कोई ऐसी कंपनी उनकी बन जाती है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो पेरेंट्स को तब होश आती है कि हम अपने बच्चों की तरफ भी हमने ध्यान देना था. सबसे मेन बात तो ये कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छा बिहेव करें, बाहर तो चीज़ें बाद में असर करती हैं. बाहर की चीज़ें जो है ना, बैड कंपनी या फिर बाहर के जो लोग हैं जो अच्छा रवैया नहीं रखते, उनके फ्रेंड्स जिनका अच्छा रवैया नहीं होगा, या कुछ भी ऐसा जो बाहर का है, जो मसाइल बाहर के हैं, वो बाद में असर करेंगे. पहले असर करेगी आपका अपना बिहेवियर आपके बच्चे के ऊपर, कि आप कैसे बिहेव करते हैं अपने बच्चे के साथ. यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स जैसा आपस में बिहेव करते हैं, जैसा वो दूसरे बहन भाइयों के साथ या फिर जो है वो आपस में फैमिली में किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का. मैंने ये चीज़ बहुत कीनली ऑब्जर्व की है. मैं टीचर भी थी तब भी, और मैंने अपने घर में भी और दूसरों के बच्चों को भी मैंने देखा है, उनकी फैमिलीज को भी मैंने जो है वो ऑब्जर्व किया है अपने रिलेटिव्स के घर में, कि बच्चों के ऊपर आपका अपना बिहेवियर सबसे ज़्यादा असर करता है, पेरेंट्स का बिहेवियर. अगर तो आपके बच्चे आपको शुरू से ही लड़ता झगड़ता देख रहे हैं, उनके लिए तो आपने एक मिसाल सेट कर दी है कि पेरेंट्स जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं. अगर आज आप पेरेंट्स हैं, अम्मी या अब्बू हैं अपने बच्चों के, आप आपस में अच्छे से नहीं रहते, आपस में आपके क्लैशेस रहते हैं, बच्चों के सामने आप लड़ते झगड़ते हैं, या फिर इस तरह से आप कोई भी इशू क्रिएट कर लेते हैं, मदर की तरफ से कोई बात होगी, फादर की तरफ से कोई बात हो गई, तो इन सारी चीज़ों का बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है. और ये असर जो है वो बहुत दूर तक जाता है, यहाँ तक कि जब उनकी शादी हो जाती है तो वो भी इस बात को सीख चुके होते हैं और ट्रेन हो चुके होते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी ऐसा करते थे, तो हमारे लिए ये करना गलत नहीं है. ये बहुत ज़्यादा जो है पेरेंट्स को अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है
कि वो अपने बच्चों के सामने एटलीस्ट कोशिश करें कि वो आपस में भी सलूक इत्तफाक से रहें, लेकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों के सामने इस तरह का कोई सीन क्रिएट ना करें, क्योंकि बच्चे जो है वो उस लेवल पे होते हैं, उस टाइम पे वो इस तरह की चीज़ें सीख जाते हैं जो कि उनके लिए शायद सीखना मुनासिब नहीं है। तो पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए। मैं तो हैरान होती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं आज, माशाल्लाह हर फैमिली में एजुकेटेड पर्सन तो ज़रूर हैं, पेरेंट्स में से या तो कईयों की जो, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लड़के कम ही पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि लड़कों का इस तरफ ज़्यादा रुझान नहीं होता, बहुत कम ऐसा है कि लड़के पढ़े लिखे नहीं हैं, और लड़कियां जो है वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी ही हैं। आज जो है वो लड़कियों की तालीम पे ज़्यादा जो है वो फोकस इसीलिए किया जा रहा है कि उनसे जो है वो घर बनने होते हैं, उनसे जो है वो घर बनने होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत करनी होती है। अगर आप देख लें एक ऐसी लड़की को जो पढ़ी लिखी नहीं है, और एक तरफ आप उस लड़की को बिठा दें जो पढ़ी लिखी है, जो पढ़ी लिखी नहीं है उसमें और एक बकरी में, आई एम सॉरी टू से लेकिन हकीकत यही है, एक बकरी में और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे एक बकरी को खूंटे से बांध दिया जाता है ना, उसको हमारे सोसाइटी में आजकल ऐसी लड़कियों की डिमांड है जो सिर्फ एक बकरी हो, सही, जिसको ना, जो ना सही को सही बोले ना गलत को गलत बोले, वो सिर्फ वही बोले जो कि आज तक इस रिवायत चलती आ रही है, जो बड़े कहते हैं वो सही, जो बड़े कहते हैं गलत तो वो गलत। हालांकि बड़े भी इंसान हैं, वो भी गलत हो सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं चाहता ना। और मैं इस मुआशरे की हकीकत को बहुत ज़्यादा क्लोजली देख चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर चुकी हूँ। अब ये हम एक अलहदा टॉपिक पे भी बात करेंगे इसके बारे में भी, बट अभी हम चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा बिहेव करें, तो आपको ये चाहिए कि आप खुद वैसे बन जाएं जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिहेव करें। आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करें। जो पेरेंट्स हैं ना उनके भी आगे पेरेंट्स हैं, अगर वो हयात हैं तो उनकी इज्जत करें। आपके बच्चे आपको सीख के आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मीठा बोलें, ऐसा बोलें कि सब पे उनका सहर तारी हो जाए, तो फिर आप खुद ऐसा बोलें कि आपके बच्चे आपको देख के सीख सकें। इससे अच्छी एग्जाम्पल और क्या होगी कि कुरान पाक में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनसे अच्छा मॉडल, रोल मॉडल हमें नहीं मिल सकता। उन्होंने खुद करके दिखाया ना, जैसा वो चाहते थे कि उनकी उम्मत करती वैसा उन्होंने खुद करके दिखाया। वो अब हमारे ऊपर है कि हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। करना तो चाहिए, हमारे आगे दो रास्ते हैं, हम चाहे तो सीधे पे चल लें चाहे तो उल्टे पे चल लें, रिजल्ट दोनों का वैसा ही होगा जैसा जिस पे भी आप चल रहे हैं। अच्छे पे चल रहे तो अच्छा रिजल्ट है, बुरे पे चल रहे तो बुरा रिजल्ट है। लेकिन अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा बिहेव करें और उनको आप ऐसी एजुकेशन दें जिस पे वो, जो ना सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे हो कि आज हम अपने बच्चों पे लगा रहे हैं तो कल को हमने उनसे वसूल भी करनी है रकम, तो इस तरह से जो है वो काम सही नहीं रहेगा। और मैं इस बात की गारंटी देने को तैयार हूँ कि आपके बच्चे सिर्फ रट्टू तोते ही बनेंगे, उनको ना तो दीन का पता होगा ना दुनिया का पता होगा, और ना उनको सही गलत का पता होगा, और ना ही उनको अच्छे से बिहेव करने का पता होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता होगा कि ये सारी की सारी जो खसूसियात हैं उनके बच्चे में पाई जाए। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा बिहेव करें, तो काइंडली खुददारा आप खुद को जो है वो बेहतर बनाएं, खुद को जो है वो वैसा बना लें जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बन जाएं, क्योंकि असल ट्रेनिंग जो है वो घर से स्टार्ट होती है। आप अगर अच्छा बिहेव करेंगे, आपके बच्चे अच्छा बिहेव करेंगे, बाहर भी वो अच्छा बिहेव करना शुरू हो जाएंगे, तो ऑल दो बाहर की जो दुनिया है वो ऐसी है कि आपके बच्चों का मजाक भी उड़ाएगी कि ये कैसा है, हम तो ऐसे नहीं हैं, या कुछ भी ऐसा है तो ये तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, ऐसा तो नहीं होता वैसा तो नहीं होता। तो उसके पास एक एग्जाम्पल होगी कि मेरे पेरेंट्स भी जो है वो अच्छे से बिहेव करते हैं, तो मैंने उनसे ये सीखा।
अदरवाइज फिर बच्चे क्या करते हैं बेचारों के ऊपर इतने इतने उनके खुद के वजन से ज्यादा उनके कंधों पे जो है वो बुक्स का बोझ होता है। और ऊपर से आप घर में भी जो है वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखेंगे कि ऑल द टाइम टेंशन, ऑल द टाइम लड़ाई, ऑल द टाइम झगड़ा, तो फिर क्या होगा, फिर बच्चों के ऊपर डबल प्रेशर होगा और वो कुछ सीख नहीं सकेंगे। और जब कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं अपने आप को अपडेट करेंगे, कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे, बल्कि बुरा तो ज़रूर सीखेंगे। आपके लड़ाई झगड़े से वो एक बात तो ज़रूर सीखेंगे कि हमारे पेरेंट्स लड़ते झगड़ते हैं, तो कल को जब हम इस स्टेज पर जाएंगे तो हम भी लड़ झगड़ सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आपने सेट होने से रोकना है। काइंडली, आपके बच्चों का कोई एजुकेट कर सकता है तो वो आप खुद हैं। आप उनके लिए कोई अच्छी सी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं तो वो आप खुद हैं। कोई भी उनकी बाहर से ट्रेनिंग नहीं करेगा। और हमारी जो मदर्स हैं, रिस्पेक्टेड मदर्स, उनका ये है कि हम इनको स्कूल भेजते हैं, वहाँ पे जो टीचर है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अब इनको पढ़ाए भी और इनकी जो है वो साथ में तरबियत भी करे। बहुत कम टीचर्स ऐसी हैं कि वो जो है वो पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम निकाल के बातें उनको ऐसी बता देती हैं जिससे वो मोटिवेट हो जाए, जिससे उनमें पॉजिटिविटी आ जाए। बट ये उनका फ़र्ज़ ज़्यादा नहीं बनता। ज़्यादा फ़र्ज़ जो है वो आप माँ का बनता है। माँ की जो जिम्मेदारी है वो है तरबियत। टीचर्स बेचारी, वो कुछ आपके बच्चे प्राइवेट में जाते होंगे, कुछ गवर्नमेंट में जाते होंगे। गवर्नमेंट्स में जो टीचर्स हैं वो बहुत कम हैं, कोई 100 में से एक दो होंगी जो बड़ी अच्छी होंगी। ज़्यादातर जो है वो अपनी कमाई को हलाल करना ज़रूरी नहीं समझती। टू बी वेरी सॉरी बट ऐसा है, ये हकीकत है। और प्राइवेट में अगर देखा जाए, प्राइवेट में अगर देख लिया जाए तो वहाँ पे टीचर्स पे बस सिलेबस को आपने कवर करवाना है उनको। जी 100 कोड प्लानर दे दिया जाता है जिसमें जो साइंस का टीचर है, साइंस जो भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है उसका पूरा हफ्ते का उसने जो है वो अपना स्केड्यूल बनाना है कि मैंने ये टॉपिक कवर करवाने हैं। उस पे उसने काम भी चेक करना है, उस पे उसने अगर कोई टेस्ट डेट आ गई है तो वो भी उसने लेने हैं, उसने वो भी चेक करने हैं। फिर भी अगर कोई टीचर बड़ा ही ईमानदार है, वो चाहता है कि बच्चे मुझसे कुछ अच्छा सीख जाएं, तो वो 5-10 मिनट निकाल के बच्चों को कोई अच्छी बात बता देगा, कोई अच्छे उनके क्वेश्चन जो है उनका उनको आंसर दे देगा। बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर फिर वो उनका फोकस टीचर्स का यही होता है कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल में आती हूँ तो मुझे जो है सिलेबस कवर करवाना है जो मेरा वीकली है। अगर वो नहीं होगा तो मुझसे जो है वो सवाल जवाब होंगे और फिर जो है वो मेरी जॉब भी जा सकती है। मेन जो है वो मकसद हमारी एजुकेशन का आज यही रह गया है। तो तरबियत करना जो है वो मेन ड्यूटी मदर की है। और मदर्स हमारी, टू बी वेरी सॉरी, उनको जो है वो सेलफोन से फुर्सत नहीं है, उनको ड्रामा से फुर्सत नहीं है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों को टाइम दे सकें, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा सकें, उनको ये बता सकें कि बेटा क्या सही है क्या गलत है, या फिर वो अच्छे से खुद बिहेव करके उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हम देखते चले हुए आ रहे हैं पीछे से कि उनकी मदर ऐसा करती थी। जो मदर है ना, यानी कि जो भी मदर है, जो भी देख रहे हैं पेरेंट्स, जो मदर है उनकी जो मदर थी वो भी वैसी थी, उनकी जो मदर थी वो भी वैसी थी, उनकी जो मदर थी वो भी वैसी थी। यानी कि ये बिहेवियर की जो है वो एक चेन चलती आ रही है जिसको आपने तोड़ना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप जिस तरह से करके दिखा रहे अपने बच्चों को तो वो कल को वैसा ना करें। ये बहुत ही जो है वो एक सीरियस सी बात है, एक बिल्कुल भी मजाक में लेने वाली बात नहीं है। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बच्चे अच्छा बिहेव करें तो फिर आपको खुद जो है वो वैसा करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है। हमारी सोसाइटी का ये हाल हो चुका है कि जो सही को सही कहना और गलत को गलत कहना है वो उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ ही दिया है भाई। वो क्या कहते हैं ना, और हम इसको किसका नाम दे देते हैं जी, हम दरगुजर कर रहे हैं। इसको दरगुजर नहीं कहते, इसको ज्यादती कहते हैं। जो आप अपनी सोसाइटी के साथ करें, अपने खुद के साथ करें। और मैंने खुद देखा है कि लोग सच बोलने से डरते हैं। अगर आप खुद बोल के दिखाएंगे ना तो एक एग्जाम्पल सेट होगी कि भाई यहाँ पे सच बोलने वाले लोग भी हैं, यहाँ पे गलत को गलत कहने वाले लोग भी हैं।
और जब ऐसा हो जाएगा तो खुद ही सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप का बच्चा जो है वो 2-3 साल का है या 4 साल का है और उसको अभी बोलना उसने शुरू किया है या अच्छे से बातों को समझना शुरू किया है और उसी टाइम से उसी स्टेज से आपने उसको गाने सुनाना शुरू कर दिए हैं, उसको आपने मूवीज दिखाना ड्रामास दिखाना शुरू कर दिए हैं। बेशक आपने शुरू नहीं भी किए लेकिन आप मदर हैं और आप देखती हैं तो आपके बच्चे भी ज़रूर देखेंगे और वो वही चीज़ें सीखेंगे जो आप कर रही हैं। तो बजाय इसके कि आप उनको कोई दीन दुनिया की बातें बताएं अच्छे से, उसकी बजाय आप जो है वो ये नेगेटिव चीज़ों को अगर फॉलो करिए तो आपके बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे और उनको फिर बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। फिर अगर आप खुद भी कहेंगी ना कि मेरा बच्चा अब सही हो जाए, क्योंकि ये स्टार्टिंग के जो साल होते हैं ना ये बच्चे के कह लो कि आदतें उसकी पक्की होने वाले साल होते हैं, और अगर आप इसी में उसको वैसी वैसी चीज़ें सिखा देंगी और बाद में फिर जाके जब वो बड़ा हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये अब चेंज हो जाए, इसको कुछ अच्छा ये हो जाए, तो फिर वो हदायत अल्लाह ने देनी है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना तो फिर वैसा नहीं हो सकता। फिर समझे कि अब बात आपके हाथ से निकल चुकी है और अब आप उसको बेहतर नहीं कर सकते। वो कोई मौजज़ा ही हो सकता है जो अल्लाह उसको हदायत दे दे तो वो सही हो जाए, अदरवाइज़ फिर आप अपने हाथ से बात जो है वो निकाल चुके होते हैं और फिर इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकती। और फिर आप ये कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स की, फिर पता क्या बातें होती हैं मैं आपको बताती हूँ। फिर अपनी गलतियों को पेरेंट्स पता कैसे जस्टिफाई करते हैं, वैसे करते हैं इसको नज़र लग गई, इस पर किसी ने कुछ कर दिया। हालांकि ये बातें जो है वो सिर्फ सुनने वाले को भी ये बातें नज़र आ रही होंगी, अपनी गलतियों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं ये बातें कह के कि इसको नज़र लग गई है, इस पर किसी ने कुछ कर दिया है। अल्लाह माफ़ करे, किसी ने अगर आपका बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा तो वो आपकी जो है वो स्टार्टिंग से जो आपने थोड़ा 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 उसको बिगाड़ना शुरू किया है ना, ये अब उसका रिजल्ट होता है। बजाय इसके कि आप इस बात को तस्लीम करें, आप वो जो है वो ये आप जो है वो ये कहना शुरू कर दे इसको नज़र लग गई है, इस तरह से जो है वो लेम एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दे, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। ओके, तो अगर आप चाहते हैं वाकई में कि आपके बच्चे अच्छे से बिहेव करें तो काइंडली ये टोटली डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर और उनके बिहेवियर के ऊपर। वो जैसा बिहेव करेंगे आपके बच्चे कल को वैसा बिहेव करेंगे। अगर क्योंकि अगर आपके बच्चे जो है उनमें बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, अगर तो आप बेटियां बेटे और बेटी दोनों के सामने जिस तरह का बिहेव करते हैं तो आपके बेटियां आपकी मदर से वैसी बातें सीखेंगी, हमारी माँ भी ऐसे करती थी, बेटा है तो अपने बाप से ऐसी बातें सीखेगा, हमारा हमारा बाप भी ऐसे करता था तो हम भी कर सकते हैं। उनको एक तरह से एग्जाम्पल आपने दे दी, फिर कल को जाकर वो वही फॉलो करेंगे और मसले जो है वो बढ़ेंगे, वो कम नहीं होंगे। जैसे कि अगर उनकी शादी हो जाती है, आपके बच्चों की बेटी की या बेटे की शादी हो जाती है और फिर मदर जो है वो बेटे की जो मदर है वो इस तरह की एग्जाम्पल दे रही होती है, तुम्हारा बाप भी ऐसे ही करता था तुम भी वैसे ही करो, या फिर लड़की को उसकी माँ याद आ जाती है मेरी माँ भी ऐसे करती थी मुझे भी ऐसे करना चाहिए। तो ये आप अगर सोसाइटी में अपने बच्चों के बिहेवियर में बिगाड़ लेके आ रहे हैं तो उसकी वजह आप खुद हैं, कोई और नहीं। ये आपने एग्जाम्पल सेट कर दी है, ऑल्दो ये इससे ज्यादा जहालत की क्या इंतहा होगी कि आप अपनी गलतियों से सीखने की बजाय अगर बेटे की माँ है तो वो उसको सुधारने की बजाय ये कहने की बजाय कि आपके वालिद साहब ने गलतियां की हैं आप उसको दोहराएं ना, आप जो है वो जो भी आपका परफेक्ट रोल मॉडल है जो भी कुरान पाक में है या जो भी आप जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक होता है ना गाइडेंस उसको फॉलो करें, बट आपने तो उल्टी सीधे मिसालें दे कि उसका दिमाग खराब करना ही करना है। ठीक, आपने जो है उसको कहना है आपके वालिद भी ऐसे करते थे, उसको कहना है आपकी वालदा भी ऐसे करती थी, तो इस तरह से जो है वो बातें बिगड़ती हैं, कभी भी नहीं सुधरती। सही, तो खुदारा अपने आप को चेंज करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे चेंज हो जाए उनका बिहेवियर चेंज हो जाए तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। अपनी अपनी जो बुरी आदतें हैं सबके अंदर होती हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान जो है वो बड़ा अच्छा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आपने बस करना क्या है, आपने अपनी पॉजिटिव सेल्फ को जो है वो बढ़ाना है, अपने बच्चों के सामने उसको एनहैंस करना है, उसको ज्यादा शो करना है।
नेगेटिव को दबाने की कोशिश करनी है आपने, बस ये करना है। अगर आज आप ये नहीं करेंगे, आज आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो कल को आपके बच्चे भी नहीं कहेंगे। आप अगर आज सही से बिहेव नहीं करेंगे, तो आज कल को आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। और फिर क्या होगा, मसले प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और आप एक कह लें कि एक मुश्किलों के, एक प्रॉब्लम्स के दौर में एंटर हो जाएंगे। तो अगर इसको बचाना है आपने, इससे बचना है आपने, तो आपको जो है वो अच्छे से बिहेव खुद करना होगा, एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी होगी, तो आपके बच्चे आपको देख के सीखेंगे। सही, एटलीस्ट एजुकेशन वही होती है। एजुकेशन ये नहीं होती पेरेंट्स की, जो ये है ना, जो हमारे माँ बाप है जो पढ़े लिखे नहीं है, या जो पढ़े लिखे हैं उनका भी यही है मोस्टली, कि जो एजुकेशन है ना वो महंगी होनी चाहिए। वो एजुकेशन है ही वो है जो अच्छे स्कूल में हो, बीकन में हो, सिटी में हो, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, वो एजुकेशन है। और जिस जहाँ पे फीस महंगी हो, और जहाँ पे जो है वो बहुत सारे फंक्शंस होते हों, जहाँ पे जो है वो इस तरह से इन्वायरमेंट हो जहाँ पे को एजुकेशन होती हो, वो एजुकेशन है। फिजिक्स एजुकेशन है, केमिस्ट्री एजुकेशन है, बायो एजुकेशन है, मैथ एजुकेशन है, और इसके अलावा उर्दू, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो एजुकेशन है, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ये भी होगी अपनी जगह पे, ये भी एजुकेशन होगी, बट जो रियल एजुकेशन है, रियल एजुकेशन वो ये है कि आप अपने बच्चे को सही गलत में तमीज़ सिखाएं, उसको जो है वो अच्छा बिहेवियर सिखाएं, उसके लिए अच्छी मिसालें सेट करें, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, तभी हमारी सोसाइटी अच्छी होगी। और सोसाइटी तभी अच्छी होगी जब हम अच्छे होंगे। वो क्या कहते हैं ना, अगर चेंज लाना हो सोसाइटी में तो अपने से स्टार्ट करो पहले। हम नहीं करेंगे अपने आप को चेंज, तो फिर कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो है वो करके दिखाना है, तभी हमारी एग्जाम्पल सेट होगी। दूसरों को कहेंगे कि हाँ वो भी तो देखो ना ऐसे है, तो हम क्यों नहीं इस तरह से अच्छे से फॉलो कर सकते। किसी की नेगेटिव चीज़ को हम कितने जल्दी से फॉलो कर लेते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ को फॉलो करने से फिर आपकी जान क्यों जाती है? मुझे इस बात का बस आप जवाब दे दें कि क्या होता है अगर आप किसी पॉजिटिव चीज़ को फॉलो कर ले तो। नेगेटिव चीज़ें किस तरह से, जैसे कि अगर किसी की आप कह लो कि कोई फंक्शन है, सही, उसने उस फंक्शन पे इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, आपके दिल में ये आएगा देखा उन्होंने तो ऐसे किया, हमने वैसे नहीं किया। सही, जिसको आप सुना रहे हो वो आपको कल को वो भी आपको सुना देगा, वो तो ऐसे करते तुम तो वैसे नहीं करते, तो मसले बढ़ गए ना, कम तो नहीं हुए। तो इस तरह से ये मसले अगर आपने खत्म करने हैं, तो काइंडली आप खुद को चेंज करें, आपके बच्चे खुद ही अच्छा बिहेव करना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप खुद भी देखेंगे कि उनमें कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कितने ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को ढाल लेंगे, आप खुद भी हैरान होंगे। सही, तो वो क्या कहते हैं ना, एक पंजाबी की कोट है, क्या उसको बोलते हैं कि गवांडियां ना मुंह लाल हुए थे अपना चपेड़ा मार के कर लो। तो ऐसे नहीं करना। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना इससे पहले, कि अगर किसी का फंक्शन बहुत बड़ा कर लिया और आपने जो है वो नॉर्मल किया है, तो आपको जो है इस तरह की एग्जाम्पल नहीं देनी कि उन्होंने तो ऐसे किया तो मैंने तो वैसे किया। इस तरह से कंपैरिजन होते हैं, और जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, जैसे कि अगर आप बच्चों की बात करें, तो उसका बच्चा तो इतने नंबर ले गया, तुमने इतने नहीं लिए, तो ये कंपैरिजन जो है बच्चों को तोड़ देता है, इससे बच्चे फिर कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं होते। और ये भी बात सोचा करें कि जिससे आप कंपैरिजन करें, और अगर तो वो फैमिली में है, जैसे कि चचा ताया के हो गए, खाला खाला के हो गए, इस तरह से बच्चों का कंपैरिजन, मार्क्स का कंपैरिजन उनकी फैमिली में हो रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही नहीं तोड़ रहे हैं, आप अपने खुद के रिश्ते भी खराब कर रहे हैं। तो खुदारा ऐसे ना करें, सुधार लेके आए अपने अंदर, इस तरह से ना करें कंपैरिजन, क्योंकि हर एक का अपना अपना टैलेंट है। हो सकता है कि किसी का इंजीनियरिंग में, मैथ्स में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट हो, किसी का केमिस्ट्री में हो, किसी का किसी चीज़ में हो, तो उसको अपने हिसाब से चलने दिया करें, अपनी ना थोपा करें उनके ऊपर। क्योंकि क्या बोलते हैं कि जैसे सेब है ना, सेब तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के सेब होते हैं, कोई हरा होता है, कोई पीला होता है, कोई लाल होता है, फर्को फर्क होता है ना, सारा कुछ फर्क फर्क होता है, सारी चीज़ें एक जैसे तो नहीं हो सकती, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हम खुद को देख रहे हैं, हमारी शक्लें आपस में मिलती हैं, नहीं मिलती ना, ट्विंस भी होंगे ना, तो उनमें भी ज़रा थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ज़रूर होगा।
तो क्या कंपैरिजन करना जब हमारी पर्सनालिटीज़ ये अलग अलग हैं, हमारी खसूसियात ये अलग अलग हैं, हमारी हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से, सोच तक हमारी अलग अलग हो सकती है, तो फिर क्यों क्यों आप कंपैरिजन्स करते हैं बच्चों के, क्यों उनको तोड़ते हैं, क्यों उनको इस तरह से एक फजूल किस्म के कॉम्पिटिशन का आपने हिस्सा बनाया हुआ है जिसमें रह के वो नंबर गेन करना तो सीख सकते हैं लेकिन अच्छे मैनर्स नहीं सीख सकते। तो काइंडली ऐसा ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा बिहेव करें तो उनके साथ अच्छा बिहेव आप पहले खुद करें, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। सबसे अच्छे एग्जाम्पल उनके अपने पेरेंट्स हैं, बाहर वो कहाँ जाके ढूंढेंगे एग्जाम्पल्स। और अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चों को बाहर से ये एग्जाम्पल मिल गई, उसके फ्रेंड के अम्मी अब्बू तो बड़े अच्छे हैं, आपस में ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, वो भी फिर जैसे आप उनका कंपेरिजन्स करते हो कज़न के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, वो तो ऐसा होता है, तो वो भी करना शुरू हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे। ये सारी बातें सोचनी चाहिए पेरेंट्स को। और बिल्कुल अपने कुछ भी जो है वो लेट नहीं हुआ, आप सुधार सकते हैं सब कुछ। क्या कहते हैं ना, स्टार्ट लेना होता है, बस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने खड़े होना होता है, चेंज स्टार्ट, चेंज जो होना है जो है स्टार्ट हो जाता है। तो देर नहीं हुई, अगर आप अभी तक ये गलतियां दोहराते आ रहे हैं तो इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, इनमें बेहतरी लाई जा सकती है और बिल्कुल आपके बच्चे जो है वो अच्छे से बिहेव करना शुरू हो जाएंगे। आई होप कि आपको जो है वो मेरी बातें समझ में आई होंगी, आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और फिर इनके रिजल्ट्स देखिएगा, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।